सांसद और राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। इसमें सीपी जोशी ने राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने के 3 कारण भी बताए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भाजपा सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा, राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और उनकी गतिविधियों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वे देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों को देश और दुनिया के इतिहास और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे एक जिम्मेदार पद पर हैं और ऐसी पार्टी और परिवार से आते हैं जिसने दशकों तक देश की सत्ता की बागडोर संभाली है। राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने के लिए 3 कारण गिनाते हुए लिखा, पहला कारण यह है विदेश की धरती पर राहुल गांधी के दिए गए बयान किसी भी तरह के एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी के बयान राजनीतिक नहीं बल्कि विशुद्ध तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आते हैं जो उनके आचरण को संदिग्ध बनाता है। तीसरा, राहुल गांधी के बयानों से देश की आंतरिक स्थिरता और सीमाओं की सुरक्षा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वह नेता विपक्ष के पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सीपी जोशी ने आगे लिखा, भारत के संदर्भ में विदेशी जमीन पर बयानबाजी के पहले नेता विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ बुनियादी तथ्यों को अपने ध्यान में रखे, लेकिन राहुल गांधी ने स्वार्थवश अथवा विदेशी ताकतों के प्रभाव में देशहित को तार पर रख दिया। इसके कई उदाहरण उनकी पिछली अमेरिका यात्रा में देखे जा सकते हैं, जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी की मंशा देश में स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि दशकों तक आतंकवाद की मार झेल चुके सिख समुदाय को लेकर भी बाहर जाकर राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी करी। इस विषय पर सीपी जोशी ने विस्तार में पूछते हुए लिखा, आखिर राहुल गांधी के इस बयान के पीछे क्या मंशा हो सकती है? कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी सांसद सीपी जोशी के लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी पर नाराजगी जताई। मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी नेता सीपी जोशी का पत्र मजाक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कब से पासपोर्ट अधिकारी हो गए? पासपोर्ट विदेश मंत्रालय जारी करता है। सीपी जोशी को थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहें punjabkesari.com।